नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप और आपके घर में सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ D10 के बारे में। आज तक आप लोगों ने मेरे मुंह से सिर्फ सुना था O3 का D10, पर आज मैं आप लोग को एक नए D10 बोल सकते हैं या कुछ अदर D10 के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेचर्स के D10 के बारे में। जी हाँ गाइज, पहले इसका जो पैकेजिंग है ऐसा नहीं हुआ करता था, थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, बट ये भी इस तरह के एक कंटेनर में आ रहा है। तो इसे मैंने कल ही बाय किया है, कल ही परचेस किया है गाइस, और मुझे इसको ट्राई करना है। मुझे देखना है कि इसका जो प्रोसेस है या जो इसका रिजल्ट है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने O3 का किया था। O3 का तो रिव्यू आप लोग देखे हैं, बहुत बेस्ट है। तो गाइस, बहुत बातें ना करते हुए हम लोग अगले बढ़ते हैं अपने प्रोसेस पे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं ये दिखने में कैसा आ रहा है। ये टोटली सील ले गए, देख सकते हैं आप। अभी तक मैंने इसको खोला नहीं। स्मेल बहुत अच्छी है, ये इस तरह का दिख रहा है। मैं इसको टोटली निकाल देती हूँ, इस तरह का। क्योंकि मेरा अपना सैलून है तो मैंने बड़ा वाला क्वांटिटी लिया। अगर आप घर के लिए परचेस करना चाहते हो तो छोटा वाला यूज करना। और अब मैं इसे पहले इसे ही मैं क्लीन करूंगी। क्वांटिटी भी आप लोगों से ठीक शेयर गाइज। जब मैं D10 को अप्लाई कर रही थी अपने फेस पे तो मुझे हल्का सा जलन या इचिंग टाइप आप बोल सकते हो मुझे फील हुआ, जो कि इससे पहले वाला जो नेचर का D10 था उसमें कुछ भी आपको इचिंग या जलन टाइप का कुछ महसूस नहीं होता था। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अगर ये जो क्रीम है थोड़ा मुझे लग रहा है कि अपडेट हुआ है, क्योंकि पहले जो कुछ भी फील नहीं होता था, अभी क्या है, अभी जो नेचर का हम लोग D10 यूज़ कर रहे हैं फेस पे, तो मुझे हल्की हल्की फेस पे जलन हो रही थी गाइज। ठीक है गाइज, तो ये आप लोग भी जब भी यूज़ करना इसको, अगर आप लोग की फेस में भी हल्की हल्की जलन हो या हल्की हल्की इचिंग हो तो आप लोग उससे घबराना नहीं गाइज। ठीक है, क्योंकि जब भी कुछ अपडेट होता है तो उसको और बढ़िया या और बेहतर बनाने का जो प्रोडक्ट का जो है वो कोशिश किया जाता है गाइज। ठीक है, तो आप लोग कंपेरिजन पहले का जो करोगे तो उसमें आप इसको बेटर पाओगे गाइज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पैक है हल्का हल्का सूखा टाइप में लग रहा है। तो आप लोग भी अपना फेस पैक अगर ये यूज़ करती हो तो 15 मिनट ही रखना। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ गोल्ड का स्क्रबर। आपके पास कोई भी स्क्रबर हो आप लोग उसे बेझिझक यूज़ कर सकते हो। और जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग यूज़ कर सकते हो। आप लोग को अपने फेस को एकदम हल्के हाथ से स्क्रबिंग करना है गाइस। प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपका विंटर का सीजन आ चुका है। क्योंकि हम लोग D10 कर रहे हैं तो साथ में हमें स्क्रबिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें हमारा जो बेस्ट रिजल्ट है वो पता नहीं चल पाएगा गाइस। ठीक है, तो आप लोग भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना गाइस। और स्क्रबिंग का टाइमिंग भी आप लोग को बता दे रही हूँ, कम से कम अगर आप सिर्फ D10 के साथ स्क्रबिंग कर रहे हो तो ओनली 3-4 मिनट करना है गाइस आपको। ठीक है, वो भी बहुत ही हल्के हाथों से। और जहाँ तक हो सके स्क्रबर अगर आपका माइल्ड हो, बहुत ही एक होता है ना बहुत ही छोटे छोटे दाना का, वो अगर होता है तो और भी बेस्ट है गाइस। ठीक है, तो आप लोग ठीक इसी जैसे मैं कर रही हूँ ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करना है गाइस आप लोगों को।
मैंने अपने फेस को गाइस बहुत ही अच्छी तरह से जाके मैंने वॉश कर लिया है एकदम प्लेन वाटर से, नॉर्मल वाटर से, गुनगुना वाटर से नहीं करना है। अगर आप चाहो तो गुनगुने वाटर से भी वॉश कर सकते हो। तो गाइस आप लोग मेरा रिजल्ट देख ही सकते हैं, मेरा जो फेस है वो कितना ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। पहले एक पता चल रहा है कि हाँ, जो हमारा जो टैन है वो क्लियर हुआ है, ये विजिबल है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, और इसके रिजल्ट से मैं काफ़ी खुश हूँ। इसके बाद मैं इस अप्लाई करने वाली हूँ लोटस का रिजुवीना, जो कि हमारा जो मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है प्लस शाइन भी प्रोवाइड करता है और हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा भी है गाइस, ठीक है। अगर हम फेस में कुछ भी करते हैं तो फिनिशिंग के लिए या तो हम टोनर यूज़ करते हैं या फिर रिजुवीना यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर चाहो तो आप लोग लाइट मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ठंड का दिन है, फेस में टान आने लगेगा, खिंचाव आने लगेगा अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हो तो कोई भी मॉइस्चराइज़र, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइस। प्लीज़ मैं तो कहूँगी आप लोग जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा कर दो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।